YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। नूरपुर में 9 अप्रैल को हुए सड़क हादसे के शिकार बच्चों के परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। परिजनों का कहना है कि वो प्रशासन की अप्रारंभिक जांच से नाखुश हैं और स्कूल प्रशासन का कहना है कि एक मानवीय भूल थी, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया है कि हादसा लापरवाही और तकनीकी खराबी के चलते हुआ है। साथ ही परिजनों का कहना है कि यह हादसा स्कूल प्रशासन के साथ साथ लोक निर्माण विभाग की भी लापरवाही के कारण हुआ है, क्योंकि हादसे वाली जगह पर 3 महीने पहले मिट्टी ढहने की घटना हुई थी। वहीं हाईकोर्ट ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन को दोबारा जांच करने के आदेश जारी किए थे और एसपी और डीएसपी ने ठेहड़ गांव पहुंचकर परिजनों को भी आश्वासन दिया है। तो 9 अप्रैल को ये सड़क हादसा हुआ था। नूरपुर में स्कूली बस के साथ ये हादसा हुआ था, जहां पर 23 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। आपको बता दें एसपी डीएसपी ने जांच का आश्वासन भी दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि नूरपुर में ये जो हादसा हुआ था, इसके बाद परिजन कहीं ना कहीं गुहार लगाते हुए नजर आए। उनका कहना है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से, लोक निर्माण विभाग की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ था और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे हम हाईकोर्ट में पहुंचे थे, मैं एक इंडियन आर्मी में सोल्जर हूं और मैं डायरेक्ट गर्मन आता हुआ सीधा कोर्ट में पहुंचा, शिमला गया था कि अभी तक जितनी भी कार्रवाई हो रही है बिल्कुल से हमें संतुष्ट नहीं है। नूरपुर में जाते हैं तो हमारे एक एफ आई आर लॉन्च नहीं होती है और एक मंगत राम है जिसके ना कोई बच्चा एक्सपायर हुआ है ना कुछ, उसकी एफ आई आर लॉन्च की जाती है। आज 2 महीने हो गए हमारी कोई भी एफ आई आर लॉन्च नहीं हुई अभी तक, एक जनरल डायरी तौर पर लिखा जाता है। फिर हम धर्मशाला जाते हैं एसपी साहब से मिलने के लिए, उन्होंने हमारे विश्वास दिलाया कि हम 5-7 दिन में के अंदर कुछ कार्रवाई करें, कुछ कार्रवाई में टाइम लगेगा। हम मान गए सर, हम 12 दिन वेट किया, 12 दिन में उनका एक बार नूरपुर में आए, वो नूरपुर आने के बाद एसएचओ को मैसेज दिया भी इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बोला कि 5-7 दिन हो गए सर, उन्होंने भी कार्रवाई की। लास्ट में हम जब परेशान हो गए बिल्कुल दुखी हो गए, कहीं से भी हमें सहायता नहीं मिल रही है, तो हम लास्ट में जाके कोर्ट में गए हैं। का आदेश है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनसे मिलें सबसे, तो उन सबसे हम यहाँ पे मिले हैं और हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि अगर आप चाहें तो हम इंडिविजुअली सबके घर में भी जा सकते हैं। ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर आगे हैं। इन्होंने हमारी अपनी समस्याएं बताई, इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं, कुछ इनसे जो है वो इनके अदरवाइज कंसर्न हैं फाइनेंशियल चीज़ों से लेके या रिहेबिलिटेशन को लेके, वो चीज़ें हैं। कई कई लोगों का तो ऐसा हुआ है कि उनके बच्चे जो हैं दो हैं तो दो का ही लॉस हो गया है और आगे उनका इस तरह से कोई आगे बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं है। तो इस संबंध में मैं और एडीएम साहब आज यहाँ पे आए हैं।